अपने पार्टनर के लिए खत लिखने शुरू किए, उसके बाद में उसे लिखने का इतना शौक जाग गया कि वो अब इतना बढ़िया लिखने लगा, और अब वो ये चाहता है कि आगे भी वो राइटिंग में ही अपना करियर देखे। सही में हाँ, मेरे उस मेरे पहले लव ने मेरी जिंदगी बदल के रखी। हाय पलक, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अदर एपिसोड। और आज का एपिसोड मैं बहुत लेट शुरू कर रहा हूँ, अभी शाम के लगभग 3:30 बजने वाले हैं और मेरी सारी क्लासेस हो गई हैं, सब कुछ हो गया है। पर आप लोगों के मेरे पास एक गुड न्यूज है, मैं आज आ रहा हूँ ओहो रेडियो उत्तराखंड में, यानी कि इंस्टाग्राम में लाइव आ रहा हूँ, और इसके बाद मैं वो क्लिप डालूंगा क्योंकि ये व्लॉग कल आ रहा होगा, यानी कि मैं जब ये व्लॉग आ रहा होगा उससे एक दिन पहले मैं लाइव आ गया था और आप में से कई लोगों ने मुझे देखा होगा, तो इसके आगे मैं उसकी क्लिप लगा दूंगा। फिलहाल अभी ना बारिश आने का मौसम हो रहा है और मैं भी क्लास ले रहा था अंदर, और पापा लोग खेत में गए हुए हैं, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, तो फिर हम लंच करेंगे, हमने लंच भी नहीं किया हुआ अभी। बाकी मौसम देखोगे जैसा है तो हमें अभी छत में जो डाले हुए हैं चीज़ें वो उठानी पड़ेंगी, और कल रात ना बहुत ज़्यादा गड़म चढ़म हुई थी तो इसकी वजह से हमारे गाँव में लाइट नहीं है, तो हमारे घर में इन्वर्टर है ना, तो पड़ोस के लोग आए हुए हैं। तो मतलब जब मैं कल सो रहा था और कालू को मैं देखा ना, मैंने फ्लैश लाइट जला के, यानी कि मेरी 2-3 बजे नींद खुली थी, बहुत जोर जोर की ऐसे बिजली कड़क रही थी और बहुत ज्यादा डर लग रही थी। कालू भी बार बार ऐसे टेढ़ी मुंडी करके देख रहा था मेरी ओर। मानसून जाने वाला है तो शायद ये जाते वक्त थोड़ी आवाज करते हुए जाती ना कोई भी चीज, तो यही वाली बारिश है। अक्सर हमारी लाइफ में भी यही होता है ना कि जब हमको कोई बुरा भला कहता है तो आप ये मत सोचिए कि यार हर समय रहेगा, बुरा भला बस कुछ समय के लिए होता है, और धीरे धीरे जब आप तरक्की करने लग जाते हैं तो वो सब चुप हो जाते हैं और आप ही आपकी तरक्की वाली उंगली उनके होठों पे लग जाती है और वो चुप हो जाते हैं। मैं जिस पराल की बात कर रहा था ना, देखो ये है क्योंकि अभी बारिश आने वाली है, हर जगह पूरा ऐसा हो रखा है, तो हमें इसको उठाना पड़ेगा वरना दिन भर जो सुखाया है वो वापस से भीग जाएगा। 10 मिनट की मेहनत के बाद हमने पूरा ढक दिया है और मैंने बुआ की मदद की थी यहाँ पे, ये मेरी बुआ है और हम दो ही थे घर में, आज एक आमा है बस। तो अभी मेरी पहली क्लास हो गई है और अभी हमें मडवों को धूप में डालना है। तो ये है हमारी इस बार की मडवे की पैदावार, देखो इतनी मेहनत की हमने और इतना मडवा हुआ है, और थोड़ा सा इसमें है पर इसमें से थोड़ा ही निकलेगा। कद निकला लमा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है मडवा, और इसी की रोटी बनती है और फिर घी के साथ लगाने ना, जब कड़क कड़क चूल्हे की रोटी होती तो मजा ही आता खाने में, चूल्हे में ही जरा मजा आता है जब चूल्हे में बनती है रोटी, एकदम कड़क हुई रहती है और कभी कभी नरम भी होती है मेरे को तो, लेकिन कड़क वाली ज्यादा पसंद है तो उसमें हम खाते हैं तो मजा ही आता है घी के साथ। अब इसको हम पूरा फैलाएंगे इसमें। तो मडवा सेशन तो हो गया भाई, धान की बारी, और नीले वाले जो मैंने तिरपाल बिछाया था इसमें हम धान डालेंगे और धान भी सूख जाएंगे। तो जब भी मैं ऐसे फ्री होता हूँ ना, मेरे को मजा आता है ऐसे, मैं हर चीज सीखने की कोशिश करता हूँ, जैसे आजकल मैं फैलाना सीख रहा हूँ, पहले से मेरे को फैलाना नहीं आता था, कहीं कहीं पर इतना जमा हो जाता था, कहीं पर पतला होता था, तो आजकल थोड़ा सा सीख गया हूँ मैं और अच्छा लगता है घर के काम करने में ना, और ऐसे हमारे लोगों से बहुत कुछ जानने को मिल जाता है, तो ये चीज़ें हैं। और आप लोग भी आमा लोगों के साथ, बूढ़ों के साथ टाइम स्पेंड करा करिए और बहुत सी चीज़ें जानने को मिलती हैं जो आप कभी कहीं जानने को नहीं मिलेंगी, कोई नहीं बताएगा आपको, आमा बूबू ही बताएंगे। अब आप लोग टाइम लैप्स में देखना हम कैसे फैलाएंगे इसे। तो मैंने आज आपको अपनी स्टाइल दिखा दी थी कैसे हम फैलाते धान को, करते ही पहले ऐसा कर लिया, ये चप्पल उतारो, चप्पल उतार दे फिर थोड़ा खुटल खींचो फिर हाथ से ना। तो मेरे से जैसा हुआ मैंने ऐसे फैला दिया, अब आमा इसमें से वो निकालने वाली मिट्टी, मिट्टी ना मिट्टी पत्थर जो भी है बारीकी से निकालेगी और मैं अपना और काम करता हूँ। तो अभी लंच टाइम है और लंच में देखो क्या क्या, आज दाल भात रायता और ककड़ियाँ, पापा मम्मी लोग भी आ गए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये दूसरा दिन है और आज है 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर का महीना लग गया है, और कल का दिन ना वाकई में बहुत अच्छा था, कल हमारा लाइव सेशन हुआ था जैसे मैं आपको बता रहा था कल, तो जो भी जुड़े थे बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके बाद मैं क्लिप्स लगाऊंगा और बिग शाउट आउट टू ओहो रेडियो उत्तराखंड और आरजे ईशानी जी, और उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, फिर हम ऐसे बातें बातें की हमने लाइव में, बहुत मजा आया, तो आप लोग भी देखिए। और थोड़ी सी देर के बाद आपकी मुलाकात भी करवाऊंगी हमारे इस हफ्ते के ओहो डिजिटल स्टार से, जिनके टैलेंट की मैं बात करूं वो राइटर हैं, वो सिंगर हैं और साथ में वो ब्लॉगर भी हैं, वो यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं, तो अभी बस थोड़ी सी देर में उन्हें भी मैं ऐड करने वाली हूँ। A few moments later. ओके, सो दीपक इज हियर। हाय पलक, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कार्की और आज मुझे ओहो रेडियो उत्तराखंड ने आमंत्रित किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू आरजे ईशानी जी। तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके, ठीक है। हाँ, अभी कहाँ पे हो, घर पे हो या फिर दिल्ली में हो? नहीं, अभी तो घर पे ही हूँ मैं, मस्त बाहर बारिश हो जा रही है, मैंने सारी चीजें बंद की है और
अंदर बैठा वो, और पूरे गांव में कहीं लाइट नहीं है, बस थोड़ा हमारा इन्वर्टर का चार्ज बचा हुआ है तो ठीक हो गया। चलो आज बच गए, बहुत दिक्कत ना, यहाँ से दीपक भेजे जा रहे हैं और दीपक ऐड ही नहीं हो रहा। हाँ वही। ओके ओके ओके, सो अभी हमारे साथ काफी सारे लोग भी जुड़ने लगे हैं, तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ। आई गेस आप में से बहुत सारे लोग दीपक को ऑलरेडी जानते होंगे, वो राइटर हैं, सिंगर भी हैं, साथ में यूट्यूबर भी हैं। तो दीपक क्यों ना शुरुआत आपकी कुछ लाइंस के साथ ही की जाए। जरूर जरूर, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ ना कि मैं जो कविताएं लिखता हूँ उसमें ज्यादातर मैं पहाड़ों को केंद्रित करता हूँ। मेरी ज्यादातर कविताओं की थीम पहाड़ होती है, तो मतलब पहाड़ों से मुझे बहुत लगाव है, पहाड़ों से बहुत स्नेह है मुझे, और बचपन से ही मैं पहाड़ों में ही रहा हूँ। और आपने जरूर सुना होगा चौकोड़ी हिल स्टेशन का नाम, तो उधर ही मेरा स्कूल था। हाँ, तो मैंने 8 साल दिया उस जगह को, और उस जगह ने मेरे को भर भर के प्यार दिया है, और इसी की वजह से मेरे को पहाड़ों पर लिखना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने एक लाइन लिखी थी उस पर, और उसी के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि दरअसल क्या होता है ना, हम जब नशे की बात करते हैं तो नशा शराब खैनी गुटखा जो चीजें होती है इससे काफी बढ़कर है, जिससे हमें लगाव हो जाता है, उससे हमें नशा हो जाता है। तो इस पर लिखा था कि मैंने कि तुम्हारे नशे में मैं और नशों से बचाया, इन्हें पहाड़ के लिए लिखा था कि तुम्हारे नशे में मैं और नशों से बचाया, तुम पर लिखने से मुझे लिखना समझ आया, तुम पर लिखने से मुझे लिखना समझ आया। ये चीजें लिखी मैंने पहाड़ के लिए, और मुझे वाकई में पहाड़ों से बहुत लगाव है। हम जहां भी जाते हैं ना, मैंने एक लाइन पढ़ी कि जहां भी जाते हैं हम अपनी जन्मभूमि अपनी माटी की मिट्टी की महक लेकर जाते हैं, तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो फिलहाल भी घर में ही हूँ, लेकिन जो लोग यहाँ से मजदूरी की वजह से बाहर हैं और दिल्ली मुंबई रहते हैं, तो उन तक मैं अपनी लाइन के माध्यम से अपनी जो मेरी वीडियोस रहती है उसके माध्यम से पहाड़ की महक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। सुनो क्या तुम भी अपने गाँव को ठुकरा बैठे हो, सुनो क्या तुम भी अपने गाँव को ठुकरा बैठे हो, अच्छे खासे उस गाँव के रास्ते पर सालों तक न चल के क्या उसे भी रुला बैठे हो, सुनो क्या तुम भी अपने गांव को ठुकरा बैठे हो। मैंने सुना कि तुम्हें वो गांव याद नहीं आता, मैंने सुना कि तुम्हें वो गांव याद नहीं आता, शहर में अपने बच्चों को जो जमा बैठे हो। ये वाकई में सच्चाई है, मतलब कि एक बार आदमी आराम से सेटल हो जाए तो मुश्किल से ही वो घर की ओर आता है, भले ही वो चार पांच सालों में आता होगा, पर एक कड़वा सच है कि जब भी कोई बाहर जाता है तो लौट कर आने को थोड़ा मुश्किल हो जाती है उसके लिए, क्योंकि परिवार वही हो जाता है। तो उस पर लिखा था मैंने कि गांव को जो छोड़ आए हो अपने बुरा नहीं लगता क्या, गांव को जो छोड़ आए हो अपने बुरा नहीं लगता क्या, शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त जीवन तुम्हारा अधूरा नहीं लगता क्या। मैंने पहाड़ में रह रहे ऐसे लोग भी देखे हैं जिनमें अभी भी बसा है यूपी बिहार, तुम चंद सालों के लिए शहर के आ गए, तुम तो भूल ही गए अपने लोक पर्व त्योहार, गांव की मिट्टी से दूर वहां घुघुतिया की जगह लोहड़ी जो मना बैठे हो, गांव की मिट्टी से दूर वहां घुघुतिया की जगह लोहड़ी जो मना बैठे हो, गांव की यादें बड़ी याद आती है, गांव को भूलकर ही ऐसा कहते हो, गांव की यादें अब बड़ी याद आती है, गांव को भूलकर ही ऐसा कहते हो, सुनो क्या तुम भी अपने गांव को ठुकरा बैठे हो, सुनो क्या तुम भी अपने गांव को ठुकरा बैठे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने लास्ट वाली लाइन साइड की थी ना त्योहार वाली, ये तो बहुत ही ज्यादा ऐसे रियल थी, क्योंकि सिटीज में रह के और जगहों के यू नो फेस्टिवल्स को मनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसी के बीच में अपने त्योहारों को भूल जाना या उनके बारे में पता ही नहीं होना कि क्या हो रहा है क्यों मनाया जाता है, वो चीज थोड़ी सी गलत हो जाती है ना। और प्लस पॉइंट अभी ये कि आपकी एज भी इतनी कम है, और इस एज ग्रुप में अगर ये आप सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, और लोगों तक भी अच्छा मैसेज जरूर कन्वे होता है उस एज ग्रुप के लिए भी, जो लोग यू नो सिटीज में जाके रह रहे हैं और भूल चुके हैं प्रॉपरली कि गांव भी जाना होता है, गांव साल में एक बार जाते हैं जब यू नो समर ब्रेक होता है, उसके अलावा गांव मतलब ही नहीं रहता, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा मैसेज है कि आप भी इवन दिल्ली में अपना कॉलेज कर रहे हैं तो उस हिसाब से जब आप गांव के बारे में इतना सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। यू नो टैलेंट इतना सारा कूट कूट के भरा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ लगातार कमेंट्स में लोग बता रहे हैं कि आप गिटार भी प्ले करते हैं। तो अभी मैं उस चीज की ओर बढ़ने जा रहा हूँ ना जिस चीज के लिए आप लोग इस वीडियो में आए हुए हैं, यानी कि जो मेरा पहला लव था उसके बारे में हमने क्या चीजें शेयर की और कैसे आज रेडियो पे यानी कि हमने लाइव बहुत सारे मेरे राज खोले हैं, तो आप लोग उसको देखिए और बताइए कैसा लगा। राइटिंग की बात करूं तो पहली बार मतलब कब ऐसे थॉट आया कि मैं राइटिंग कर सकता हूं या मुझे लिखना चाहिए? दरअसल ये ज्यादा हो जाएगा थोड़ी पर्सनल हो जाएगा, तभी बता देता हूँ कि जब मैं दसवीं कक्षा में था तो मुझे एक लड़की पे बहुत बड़ा क्रश था, और मैं जब फिफ्थ क्लास सिक्स क्लास में था वो फिफ्थ क्लास में आई थी, मैं तब से बोल नहीं पाया उसे,
तो ओह मैं गॉड तीन चार साल वेट करता रहा, ठीक है। हाँ तो 3-4 साल वेट करता रहा, तो हमारी गुड लक पार्टी होती है 10th में। हाँ, तो गुड लक पार्टी होती है, तो फाइनली मैंने उस दिन कहा उससे, और फिर हम लोग मतलब हो गया था हमारा, ठीक है, हम लोग एक हो गए थे। हाँ, तो जो भी बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, पर उसके बाद फिर मैं हॉस्टल में रहता था, और मैं जैसे आपको बताया था ना, मैं चौकोड़ी में रहा हूँ और 8 साल मैंने उधर ही दिया, तो मैं घर से दूर रहता था। तो एक मतलब मैं एक रहता ना, एक ऐसा पर्सन होता हमारी लाइफ में जिससे हम काफी कनेक्ट कर पाते हैं, काफी वाइब कर पाते हैं, और जरा टाइम स्पेंड करते हैं, तो बहुत सी चीजें जानने को मिलती हैं। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा पहले शुरुआत, कभी हम मिल नहीं पाते थे तो ऐसे खत बोलते हैं, जो खत, मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप हूँ तो मैं लिखता था उसके लिए, और वो भी मेरे खत टाइप के लिखते थे, और फिर हम किसी से ऐसे पास कराते थे उसकी क्लास तक। तो ऐसे लिखने की शुरुआत खतों से हुई, और कभी कभी होता है ना, हम चीजों को रोमांटिसाइज कर लेते हैं उसको, कुछ भी चीज नॉर्मली मैं कह रहा हूँ कुछ, लेकिन उसको थोड़ा, कोई भी जो राइटर होता है या पोएट होता है उसको थोड़ा रोमांटिसाइज करता है, तो ऐसे ही करता था मैं। धीरे धीरे ऐसे शुरुआत हुई, फिर मैंने शायरी में बदल गया हुआ, और धीरे धीरे फिर कविताएं, कविताओं के बाद फिर मेरा रुझान अचानक से पहाड़ पे आ गया, और फिर मैं पहाड़ पर ज्यादा लिखता हूँ आजकल, और बस पहाड़ पे ज्यादा लिखता काफी हूँ। हाँ यूनिक है, ऑफ द स्टोरी एकदम ही ऐसे रियल में कभी नहीं सुना होता कि किसी ने अपने पार्टनर के लिए खत लिखने शुरू किए, उसके बाद में उसे लिखने का इतना शौक जाग गया कि वो अब इतना बढ़िया लिखने लगा, और अब वो ये चाहता है कि आगे भी वो राइटिंग में ही अपना करियर देखे। सही में, हाँ, मेरे उस मेरे पहले लव ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, और आपने जो चीजें देखी ये इंस्टाग्राम पे हो चुकी हैं, और अब कल आ रहा हूं मैं, यानी कि कल शनिवार को शाम 4 बजे से 5 बजे तक ओहो रेडियो में आप लोग सुनिए मुझे, और मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए उन्होंने कल, तो उन्होंने मेरा मिनी इंटरव्यू टाइप का है, तो आप लोग जरूर सुने, मैंने उसमें गाने गाए हैं, मेरी कविता है, बहुत सारी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी अभी लाइव, तो आप लोग जरूर सुनना। अभी भी याद कर लो, सैटरडे को शाम 4 बजे से 5 के बीच में दीपक कार्की आ रहा है ओहो रेडियो उत्तराखंड में, तो जरूर सुनना और बताना कैसा लगा, क्योंकि कल तो वीडियो आएगा नहीं, अभी ये शायद 10 बजे आप लोग देख रहे होगे वीडियो, तो जब भी आ रहा है इसको भर भर के प्यार दो। और ये आज का एपिसोड था, आई होप आपने इंजॉय किया होगा, और ये मेरा पहला रेडियो इंटरव्यू था, और आप लोग वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप ही मेरे सबसे चाहने वाले लोग हैं, तो आप लोग आप आज का कोड है 6, इस कमेंट में 6 जरूर लिखना, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग अभी तक देख रहे हो, तो कमेंट में 6 लिखना, और बस ये आज का एपिसोड था, मिलते हैं एपिसोड में, तब तक लिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बाय बाय। मैं ये कहना और चाहूंगा, ये साथ में आपका पहला लव हाँ सॉरी, हाँ दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। ओके तो काफी सारी बातें यहाँ पे तो आपसे की ही, लेकिन बहुत सी भी ऐसी बातें जो मैं पर्सनली रेडियो पे अपने लिसनर्स को सुनाऊंगी, तो आप सभी लोग भी रेडियो पे जरूर जुड़िएगा हमारे साथ सैटरडे को शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच में।